दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के पांच महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पांच महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। पहला जो बदलाव है उसमें टर्न लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो भी आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट थी, अगर आपकी पहले टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर जाती थी अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना था, बट आपको 20 लाख से 40 कर दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। दूसरा जो बदलाव है उसमें जो आपकी जीएसटी आर 3B की रिटर्न्स हैं, ये पहले 31 मार्च 2019 तक आपको फाइल करनी थी, बट अब इसको बढ़ा के 30 जून 2019 कर दिया गया है, यानी कि आपको जीएसटी आर 3B की जो रिटर्न है वो 30 जून 2019 तक फाइल करनी है। और तीसरा जो बदलाव है उसमें जीएसटी आर 1 रिटर्न्स, ये भी आपको 31 मार्च 2019 तक फाइल करनी थी। अब 1 अप्रैल से जो नॉर्मल और सहज हुक्म जो नए जीएसटी के फॉर्म, जीएसटी रिटर्न्स के जो नए फॉर्म इशू किए थे जीएसटी काउंसिल ने, अब उसको जून के बाद एप्लीकेबल होंगे। अभी जून तक आपको जीएसटी आर 1 ही फाइल करनी है। और नेक्स्ट जो बदलाव है वो जो आपके कॉम्पोजिशन स्कीम्स की लिमिट है, यानी कि अगर आपके टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते थे, अब इस लिमिट्स को बढ़ा के 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स हैं और आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक है, तो आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव और बहुत बड़ी राहत सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, क्योंकि 1 अप्रैल से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर उसकी जो भी टोटल टर्नओवर से टोटल सर्विस की वैल्यूज 50 लाख से कम है तो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, उसको वहां पे 6% टैक्स पेड करना पड़ेगा। दोस्तों थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इस तरह की अपडेट पाने के लिए और अकाउंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।